इस वीडियो में हम कार्टून एंड मेर के इंटरफेस के बारे में जानते हैं सारा इंटरफेस का मतलब ये सारी चीज़ें जो हमें नजर आ रही होती हैं इसको इंटरफेस कहते हैं तो सबसे पहले चीज़ जो हमें ऊपर नज़र आती है ये इसका जो मेनू होता है ठीक है इसमें सारी वो कमांड्स मौजूद होती हैं जो कि प्रोग्राम के अंदर ये जो मेन्यूज़ हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं नहीं आ रहे जो छुपे हुए ऑप्शन हैं सारे के सारे इनसाइड मौजूद होते हैं इसको मेन मेन्यू कहा जाता है हो सकता है आपकी स्क्रीन मेरी स्क्रीन से डिफरेंट हो बिकॉज मैंने कई ऑप्शन ऑन किए हों या बंद हुए पड़े हों तो किसी भी वक्त अगर कोई भी चीज़ जो है आपसे इधर उधर हो जाए तो उसके लिए एक आसान सा हल है कि आप रीसेट कर दें फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंटेंट मैंने इसको इस तरह किया और ये मुझसे गायब हो गया ये सीन जो है मुझसे गायब हो गया ये कंटेंट जो है आ, मुझसे गायब हो गया ठीक है तो इस तरह हो गया इसकी पोजीशन चेंज हो गई इसकी चेंज हो गई तो मैं क्या करूँगा तो आप यहाँ पे जाएंगे विंडोज में जाके री स्टोर डिफॉल्ट वर्क स्पेस वर्क स्पेस का मतलब कि आपके काम करने का जो प्रेफर्ड तरीका है उसको वर्क स्पेस कहते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में जिस तरह टेबल के ऊपर आप अगर पेंट ड्राइंग करते हैं टेबल के अंदर ऊपर आप मुखलिफ चीज़ें रखते हैं पेंसिल्स रेजर्स वगैरह तो हर बंदे का उन चीजों को अपने इर्ग इधर रखने का अपना अपना स्टाइल होता है तो इसी तरह हर सॉफ्टवेयर में जिस तरह का बंदा है जिस तरह का एक्सपर्ट है तो वो अपनी मर्जी से टूल्स को इधर उधर कर सकता है तो तो डेट इज वाई ये आपको हर आजकल हर सॉफ्टवेयर अलाउ करता है कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी ये चीजें चेंज करें तो अगर आपको ये चीजें इधर उधर कहीं गायब हो गई हैं तो रिस्टोर पर जब आप क्लिक करेंगे तो सारी चीजें वापस उसी तरह फौरन से वापस आ जाएंगी किसी भी वक्त आप रिस्टोर करेंगे तो सारी चीजें वापस आ जाएंगी तो ये मेरा डार्क थीम ऑन हुआ पड़ा है अगर आपको मुझे डार्क थीम अच्छा लगता है अगर आपको डार्क थीम लाइट थीम अगर आप इंस्टॉल करते हैं डिफॉल्ट लाइट थीम के साथ होता है तो थीम को चेंज करने के लिए आप जाएंगे एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाएंगे प्रेफरेंसेस में जाके आप इंटरफेस में जाएंगे इंटरफेस में जाने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो डार्क सेलेक्ट कर लेना है आपका लाइट हुआ पड़ा होगा और ये मेरा डार्क हुआ पड़ा है तो आप जब डार्क करेंगे तो आपका इंटरफेस भी इसी तरह नजर आना शुरू हो जाएगा इसके अलावा यहां से स्टार्ट करते हैं आपको जो मेनू नजर आ रहा है दिस वन राइट यहां तक इसको प्रोजेक्ट मेनू कहते हैं प्रोजेक्ट टूल बार कहते हैं इसमें आप नई फाइल बना सकते हैं एक फाइल ओपन कर सकते हैं सेव कर सकते हैं ये रियल्यूजन की मार्केट प्ले को एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट करने का मतलब कि आप अगर कोई असेट्स वगैरह बने बनाए कैरेक्टर्स मोशंस बैकग्राउंड्स परचेस करना चाहते हैं पैसे पे, पे करके तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये री की वेबसाइट पे चला जाएगा वहां से आप कोई भी कंटेंट अपनी ईमेल आईडी के साथ सेव परचेज करेंगे तो ये उसके लिए ऑप्शन है ये नेक्स्ट जो ऑप्शन नजर आ रहा है राइट ये करंट फ्रेम व्यू इसका ये मतलब है कि आप अगर यानी कि, किसी भी एनिमेशन के दौरान किसी चीज को व्यू करना चाहते हैं कि वो फाइनल रेंडर में कैसे आएगी सिर्फ उस फ्रेम को तो ये उसके लिए ये आगे अगेन डिटेल में जाके हम डिस्कस करेंगे ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है आपको दिस वन बाकी अगर मैं ये सारी चीजें रिमूव कर दू यहां पे दिस वन राइट इसका मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट किसी वक्त भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या रेंडर कर सकते हैं राइट एक्सपोर्ट या रेंडर रेंडर का मतलब कि आप अपनी जो भी एनिमेशन यहाँ पे की है होगी, आप उसकी वीडियो एम फोर बनाना चाहते हैं ठीक है तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये आफ्टर इफेक्ट्स तो ये एफ्टर इफेक्ट की पाइपलाइन है तो आप जो जो सी चीज भी एनिमेशन जहाँ पे एक सीन होगा उस सीन को आप एफ्टर इफेक्ट्स में लेके जाना चाह सकते जा सकते हैं उसमें मजीद मोशन ग्राफिक्स की एड कर सकते हैं चीज़ें टेक्स्ट वगैरह वगैरह तो टेक्स्ट यहां पे भी ऐड हो सकता है बेसिक लेकिन टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन या उससे हाई लेवल की चीज़ें वो हम आफ्टर इफेक्ट्स में करते होते हैं टू डी एनीमेशन के लिए तो ये उसकी टाइम लाइन इसको प्रोजेक्ट टूल बार कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास ये जो टूल बार है इसको जनरल टूल बार कहा जाता है इसमें जनरल चीजें होती हैं ठीक है ये सिर्फ स्टेज मोड में देखें यहाँ पे स्टेज मोड लिखा हुआ है स्टेज मोड का मतलब ये है कि आप एनिमेशन कर रहे हैं आप करेक्टर की एडिटिंग नहीं कर रहे ठीक है तो लेट्स से ये स्टेज मोड में अवेलेबल होगा आपको ये अंडू रीडू इसमें आप किसी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल होगा देन ये ये सिलेक्शन के लिए है ये डुप्लीकेट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए इस्तेमाल होगा लेट से मैं कोई भी चीज यहाँ पे लेके आता हूँ ठीक है इसको मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल करके ड्रैग करेंगे तो वो भी डुप्लीकेट हो जाएगी ये भी कॉपी करने का तरीका है। या आप इसको सिलेक्ट करके इधर बटन दबाएंगे तो ये फिर भी डुप्लीकेट हो जाएगी तो ये डुप्लीकेट करने का जो है तरीका है, दिस, दिस जो है इसको डुप्लीकेट कहते हैं कंट्रोल ड्रैग से भी आप कर सकते हैं सेम काम नेक्स्ट हमारे पास जो बटन है ये रेंडर स्टाइल का है रेंडर स्टाइल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ इस इस ये इनएक्टिव है ये किसी चीज को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तब ये एक्टिव होगा फॉर एग्जांपल ये सीन में बहुत सारी चीजें हैं तो मैंने इस लड़ से ये जो है जेड इसको सिलेक्ट किया है और इसका रेंडर स्टाइल मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है रेंडर स्टाइल का बहुत आसान लफ्जों में यही मतलब है कि जब आप किसी चीज की वीडियो बनाएंगे इसकी क्वालिटी कैसी होगी इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट इसके कलर्स सिचुएशन वगैरह ये किस तरह का रेंडर होके जाएगा कंट्रेस्ट वगैरह सिचुएशन देखें ये चीजें चेंज हो रही हैं तो आप इसको कैसा देखना चाहते हैं शो हो मध्यम हो कैसा हो लाइट हो डार्क हो तो ये सारी चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हैं लेट से ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है इसका ठीक है इसका ये रेंडर स्टाइल मैंने कि इस स्टाइल में बहुत ज्यादा कंट्रास्ट हो तो अभी एक मैं नई चीज़ लेके आता हूँ अपने सीन में ठीक है ये जो आ, स्टोर में ऑलरेडी चीज मौजूद थी अवेलेबल थी बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग हुई पड़ी इसके एक तो ऑप्शन ये, तो ये है कि मैं दोबारा इधर जाऊं इसके रेंडर स्टाइल को चेंज करूँ एक तो शॉर्टकट ये है कि ऑलरेडी मैंने इसका रेंडर स्टाइल बना दिया है सेट कर दिया है अभी मैं चाहता हूं कि आसानी से जो भी चीजें अभी मैं सीन में लेके आता जाऊं इससे मिलती जुलती तो वही रेंडर स्टाइल इन पे अप्लाई हो जाए तो इसका रेंडर स्टार स्टाइल अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका रेंडर जो है स्टाइल तो दी हुई है बजाय तो इसके कि मैं इधर जाऊं और हर चीज को इंडिविजुअली फिर बार बार करूं तो ये एक शॉर्टकट है ये जो यहाँ के अवेलेबल है इसको अप्लाई रेंडर स्टाइल कहते हैं ऑलरेडी जो आपने बनाया हुआ रेंडर स्टाइल किसी भी ऑब्जेक्ट से उठा के आप दूसरे ऑब्जेक्ट को इसका स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं इससे बाहर निकलने के लिए दोबारा सेलेक्ट करेंगे क्लिक हम तो ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ये फ्लिप है फ्लिप का मतलब उसको दूसरी तरह इसको चेंज कर देना ठीक है ये हरिजॉन्टल फ्लिप हो रही है इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है आप वर्टिकल भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन वर्टिकल यहाँ पे एक अजीब हो जाएगी तो अगेन अपनी सिचुएशन के मुताबिक आप वर्टिकल और हॉरीजोंटल इन चीज़ों को फ्लिप कर सकते हैं राइट तो ये वो वाला ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे पास आता है लिंक करने का लिंक करने का बहुत आसान लफ्जों में यह है कि अगर आपने कैरेक्टर के हाथ में पत्थर पकड़ाना है और फिर चाहते हैं कि शुरू में जब टाइम लाइन के शुरू में यहाँ पे वो पत्थर उठाए जमीन से और फिर यहाँ पे आके उस पत्थर को कहीं फेंक दे तो आप क्या करेंगे कि टाइम लाइन को शुरू में लाके उस पत्थर को और उसके हाथ को लिंक कर देंगे वो जोड़ देंगे टेम्परेली फिर टाइम लाइन में आगे आके उसको अनलिंक कर देंगे तो वो पत्थर इस जगह पे आगे पत्थर को छोड़ देगा हाथ से पत्थर जुदा हो जाएगा तो ये लिंक और अनलिंक ऑप्शन है मैं भी इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता बाद में जो है इसको हम देखेंगे एनिमेशन में नेक्स्ट है विजिबल और इनविजिबल किसी भी चीज को आप विजिबल या इनविजिबल कर सकते हैं देखिए ये हाइड हो गई है ठीक है और ये दोबारा विजिबल हो गई अगेन आप इसको यहाँ पे यहाँ पे कहते हैं कि ये विजिबल हो जब ये एनिमेशन चले यहाँ पे आके ये इनविजिबल हो जाए तो आप यहाँ पे इनविजिबल करेंगे तो ये यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी ये नजर नहीं आएगी देखिए यहाँ पे है आ, आगे आप आते हैं तो ये हाइड हो जाती है तो ये किसी भी चीज़ को विजिबल या अनविजिबल करने के लिए इस्तेमाल होता है देन होती है ओपेसिटी। ओपेसिटी बहुत आसान लफ्जों में किसी कोई चीज़ किसी सीन में कितनी मदम कितनी शोख नज़र आए तो आप किसी भी करेक्टर की ओपेसिटी जो है इस तरह आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की नेक्स्ट है हमारे पास आइसोलेट सिलेक्शन आइसोलेट सिलेक्शन का ये मतलब है कि हमारे सीन में अगर हजारों चीजें मौजूद हैं हम सिर्फ एक चीज को फोकस करना चाहते हैं बाकी सारी चीजों को डिसेबल करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आइसोलेशन मोड में ले जाने के लिए आप उसको सेलेक्ट करेंगे पहले फिर आइसोलेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन में सिर्फ वही ऑब्जेक्ट वही चीज रह जाएगी बाकी सारी चीजें गायब हो जाएंगी हाइड हो जाएंगी ठीक है तो ये अगेन इसमें अगर डिटेल से कोई एडिटिंग करनी है किसी खास हिस्से की बिकॉज बाकी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं आपको सही समझ नहीं आ रही तो ये ऑप्शन उस लिए इस्तेमाल होता है दोबारा इस पर क्लिक करेंगे आइसोलेशन मोड खत्म हो जाएगा नेक्स्ट है हमारे पास कैमरा रिकॉर्ड मोड ये वो मोड होता है अभी जो कुछ हो रहा है ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है इसकी एनिमेशन नहीं बनी पड़ी तो जब आप कैमरा ये रिकॉर्ड मोड ऑन कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड लिखा भी आ गया इसके बाद जो कुछ भी आप करेंगे टाइमलाइन के ऊपर वो चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी वो एनिमेशन का हिस्सा बन जाएंगी लेट्स से ये एक टाइम लाइन मैंने यहां से एक्टिव की है इस बटन को दबा तो के हम आगे डिटेल से इसको मज़ीद जा सीखेंगे तो रिकॉर्ड मोड जो है ये कैमरा मोड जिसे आप कहते हैं तो इसमें जो कुछ आप करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है टाइम लाइन भी उसकी फ्रेम्स बन जाते हैं ये टाइम लाइन मैंने यहां से निकाली हुई है ये एक्चुअली इसकी प्लेस यहाँ से होती है आप अगेन इसको अपनी मर्जी से जहाँ से मर्जी आप इसको लेके जा सकते हैं ठीक है तो हर करेक्टर की अपनी अपनी टाइम एनिमेशन होगी तो ये सेटिंग हम अगेन बाद में जाके देखेंगे सो टाइम लाइन में जो कुछ चीज़ों को कैम अभी जो कुछ मैं मूवमेंट करूंगा वो रिकॉर्ड होती जाएगी तो रिकॉर्ड मोड से बाहर निकलने के लिए आप दोबारा कैमरा मोड से निकलने के लिए दोबारा इस स्पे क्लिक करेंगे आप स्टेज मोड या नॉर्मल मोड पे आ जाएंगे यहाँ पे कोई भी एडिटिंग करेंगे तो वो चीज़ जो है एनिमेट नहीं होगी देन हमारे पास जूम इन और जूम का टूल इसको जी प्रेस करें तो तब भी ये जो है आ जाएगा तो इसमें क्या है कि आप इस तरह ड्रैग करेंगे लेफ्ट क्लिक करके तो देखिए ये जूम आउट हो रहा है और इस तरह क्लिक करेंगे ये जूम इन हो रहा है ठीक है तो ये जूम इन जूम आउट भी आप कर सकते हैं इसकी शॉर्टकट की क्या है कि आप आर्ट के बटन को दबा के माउस के दोनों बटन को दबाएंगे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है मैं दोबारा आपको यहाँ पे बता देता हूँ ये इंपॉर्टेंट है से आपने कीबोर्ड के ऊपर आल्ट का बटन दबाना है और माउस के जो है वो दोनों बटन दबाने हैं यहाँ पे ये भी दबा के रखना है ये भी दबा के रखना है ठीक है तो जब दोनों बटन दबा के रखेंगे और आल्ट को दबा के आप इस तरह करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट हो, होना शुरू हो जाएगा देखें ये दोनों बटन दबाए हुए हैं मैंने और आल्ट का भी दबाया हुआ है तो ये शॉर्टकट है जूम इन जूम आउट होने के नेक्स्ट है हमारे पास पेन टूल एक्स से ये ऑप्शन एक्टिवेट होता है अगेन आप किसी चीजों को पूरी स्टेज को इधर उधर लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं इसकी शॉर्टकट की जो है आर्ट और माउस का लेफ्ट बटन ये वाला बटन आप दबा के इस तरह करेंगे तो ये चीजें मूव होंगी आर्ट लेफ्ट बटन से ये पेन होता है आर्ट और दोनों बटन दबा के ये जूम इन जूम आउट होता है देन ये रोटेट का ऑप्शन है ये 2D में तो इतना खास इस्तेमाल नहीं होता जब हम 3D में इसको लेके जाते हैं ये पैरालक्स में तब ये ज्यादा इस्तेमाल होता है बहर रोटेट ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरे सीन को इस तरह रोटेट कर सकते हैं ठीक है अगेन ये इसका इस्तेमाल टू में बहुत कम होता है थ्री में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है आप पूरे सीन को आप रोटेट कर सकते हैं अगर आपने किसी करेक्टर को रोटेट करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन नहीं होगा उसके लिए आप पहले करेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बायर सेलेक्ट करेंगे देखें ये थोड़ा सा बायर आएंगे कॉर्नर में तो वो जो है आपने एक्सेस जो भी उसका पिपिटल पॉइंट होगा उसके गिर्द जो है वो घूमेगा आप इस तरीके से किसी करेक्टर को किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह रोटेट करेंगे वो उस वक्त ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे ठीक है ये ऑप्शन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे पूरा सीन रोटेट होगा सही होगा नेक्स्ट है हमारे पास होम uh, होम का मतलब कि जो बेसिक आपका जब आपने स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट खोला था नया प्रोजेक्ट बनाया था तो उस वक्त जो सेटिंग थी वो होम थी राइट ये उस वक्त इस तरह का था जिस जिस तरह हमने ड्रॉप एंड ड्रेक किए थे तो ये जब किसी आपने जितना मर्जी जूम आउट किया उलट से आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जूम आउट किया हुआ है तो अगेन आप जल्दी से अपने होम पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इधर आ सकते हैं अगर आप किसी ख़ास एंगल से आपने किसी ख़ास चीज़ पे फोकस करना है तो उसके लिए अगेन आपने पहले सिलेक्शन पे जाना होगा सेलेक्ट करना हो किसी ऑब्जेक्ट को इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और फोकस ऑब्जेक्ट ये इस ऑब्जेक्ट को उस स्क्रीन के सेंटर में ले आएगा यानी कैमरा आपका सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेगा बाकी सारी चीजों को स्क्रीन से दरमियान में इसको लेके आ जाएगा तो ये तीन ऑप्शन जो है वो फोकस के हैं ठीक है ये होम पूरे उस प्रोजेक्ट पूरे पूरे सीन को जिस तरह इनिशियल सेटिंग थी वो लेके आ जाएगा फोकस ऑल पूरे प्रोजेक्ट में जो कुछ भी है वो सारा सामने रख देगा और किसी ख़ास ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए फोकस ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो नेक्स्ट ये ऑप्शन हमारा थ्री व्यू है तो ये इसके लिए हमें दूसरा प्रोजेक्ट खोलना पड़ेगा लेट्स से मैं डेमो प्रोजेक्ट में कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ ट से uh, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें लेयर्स हों बहुत सारीट से ये वाला प्रोजेक्ट है बीच सीन वाला तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ये पूछ रहा है कि सेव करना है प्रोजेक्ट नो ये मैंने सीन खोल लिया है इसके ऊपर एनिमेशन भी लगी हुई है सब कुछ लगा हुआ है ये बना बनाया सीन है रियोलूजन की तरफ से ही आया है तो ये देखें इस तरह का सीन है पहले जूम आउट था फिर ऐसा ऐसा चीजे जूम इन हो रही है ठीक है तो ये सारी एनिमेशन इन चीजों के ऊपर लगी हुई है तो ये बाजायर हमें एक सिंगल स्क्रीन टू नजर आ रहा है लेकिन रियलिटी में ये डिफरेंट है मैं आपको दिखाता हूँ कि रियलिटी में ये इसकी कितनी लेयर्स हैं ये प्रॉप्स कितनी डिफरेंट है पहले मैं जो है इस मोड से बाहर निकलता हूँ कैमरे के जरिए क्लिक करके अभी मैं स्टेज मोड पे नॉर्मल मोड पे आ गया हूँ अभी इस थ्री डी व्यू को समझने के लिए जो है मैंने सबसे पहले मुझे फोकस ऑल ताकि मैं बिकॉज ये सीन बहुत बड़ा है चीजें इसको सेफ व्यू कहते हैं इससे बाहर है वो तो बाद में डिस्कस करता हूँ वो क्या है फोकस ऑल पे करेंगे जो कुछ सीन में है वो सारा मुझे नजर आना शुरू हो गया है अभी ठीक है अभी मैं इसको थ्री डी ऑन करता हूँ अभी दोबारा मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो ये पूरा सीन मुझे नजर आ रहा है आल्ट मैं राइट right क्लिक करता हूँ तो देखें ये सीन घूम रहा है ये ये उसकी डेप्थ आ रही है तो ये चीज सबसे आगे लगी हुई है इसको आप जी एक्सेस में रोटेट कर सकते हैं ठीक है आप उसको लेफ्ट राइट right, आगे पीछे घुमा सकते हैं ठीक है तो ये स्काई है जो हमें नजर आ रहा है बैकग्राउंड में तो ये थ्री व्यू है इसका है तो एक्चुअल ये टू सीन ठीक है लेकिन इसमें इन्होंने चीजें रखी हुई हैं दरमियान में अगर आपने पानी को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और फिश अगर आपने दिखानी है कि वो पानी के दरमियान से निकल रही है तो पानी को आप डिवाइड करेंगे और दरमियान से फिश दरमियान में रखेंगे एक पानी इधर होगा एक हिस्सा दूसरा पानी का हिस्सा दूसरी जगह पे होगा तो दरमियान से फिश निकलेगी तो बज़ाहिर हमें जब इस मोड़ से निकल के हम देखेंगे हमें ये लग रहा होगा कि फिश पानी के दरमियान से निकल रही है हालांकि ऐसा वो नहीं होगा वो एक कहेंडा uh, uh, हम रिसीव कर रहे होते हैं लेकिन ये इस तरह ही काम करता है ठीक है ये थ्री व्यू का काम है तो ले, लेट्स अगेन हम होम पे चले जाते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास ये एस वी जी का मतलब होता है वेक्टर ग्राफिक्स वेक्टर ग्राफिक्स ऐसे ग्राफिक्स होते हैं ऐसे इमेजेस होते हैं ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको आप जितना मर्जी जूम करें उनकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती और दूसरे ये इलस्ट्रेटर पर बनते हैं या अफिनिटी डिज़ाइनर पर बनाए जा सकते हैं या कोरल ड्रा पर भी बनाए बनाए जा सकते हैं दूसरा है फ़ोटोशॉप फोटोशॉप पे वो सारी चीजें इनको रेस्टर इमेजेस कहा जाता है ये पिग्जल के ऊपर बने होते हैं पिक्जल बेस होते हैं तो इनकी जूम इन करने की चीजें जो है एक लिमिट होती है आप उस लिमिट से ज्यादा जूम करेंगे तो चीजें पिग्जल्स भट जाएंगे ठीक है तो आपने अगर इस सीन के अंदर कोई नई चीज लेके आनी है एलिस्ट्रेटर से तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एलिस्ट्रेटर में एक आपने ऑलरेडी और, बनी बनाई फाइल है उसको खोलना है या एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपके पास एलुस्ट्रेटर खुल जाएगा लेकिन ये यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करना पड़ता है पहले जब आप अपना जो है सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो ये यहाँ पे एलुस्ट्रेटर का ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे फोटोशॉप का ऑप्शन नहीं आएगा वहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा और तो नेक्स्ट वीडियोज में आपको मैं बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे सेट किया जाता है तो ये एलुस्टेटर खुल जाएगा तो आपने यहाँ पर जो भी आप प्रोजेक्ट जो भी चीज़ बनाएँगे लेट्स एक रेक्टेंगल ही बना के जस्ट एम मैं ये एक रेक्टेंगल बना लिया इसको मैंने जो है वो सेव कर लिया जब इसको मैं बंद करूंगा तो ये चीज कह रहा है कि इसको बोन एक्टर के तौर पे लेके आना है इसकी बोनस बनानी है इसको सीन इसको के तौर पे लेके आना इसको प्रॉप के तौर पे लेके आना है मैं कहता हूँ प्रॉप के तौर पे लेके आए वो देखें ये जो बनाया था हमने उसको ये यहां पे लेके आ चुका है तो इस तरीके से आप फोटोशॉप में भी चीज़ें बना के इस तरह लेके आ सकते हैं नई चीज़ें बना के ये वो लाइव लिंक का है जो पहले मैं बता चुका हूँ ये उसकी शॉर्टकट है कि आपका अगर यहाँ पे वेब कैम लगा हुआ है तो आप अगर किसी करेक्टर को सिलेक्ट करेंगे तब ये एक्टिव होगा आप जिस तरह मूव करेंगे कैमरा आपकी इमोशन को देख के आपके करेक्टर के ऊपर भी वो मोशन जो है वो अप्लाई कर देगा तो आज की वीडियो में इतना ही इस वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करेंगे राइट तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीजें जो रहती हैं नीचे और ये वाला पैनल और ये वाला पैनल हम डिस्कस करेंगे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो